नमस्कार मैं रवीश कुमार केरला के वायनाड की आपदा केवल केरला की खबर नहीं है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी ख़बर है जहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उन राज्यों के लिए भी जहां से मजदूर केरला काम करने गए हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं बिहार पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड से भी लोग यहाँ कमाने के लिए आए हैं दो के अगस्त में वायनाड के ही पुतुमला में पहाड़ धसने की एक घटना हुई जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और पांच लोगों का कभी पता नहीं चला वह घटना भी मौजूदा घटना के पास के इलाके में हुई थी इस लैंडस्लाइड में उन बस्तियों में मकान की दो कतारें धंस गईं या लापता हो गईं, जहां दूसरे राज्यों से आए मजदूर रहा करते थे मरने वालों की आधिकारिक संख्या इस लैंडस्लाइड में तीन से अधिक हो गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 360 तक पहुंच गई है और भी बढ़ सकती है क्योंकि करीब 200 लोग लापता हैं शवों की शिनाख्त मुश्किल हो गई है अब तक बरामद हुए शवों में से एक वैशाली बिहार की मजदूर पूजा कुमारी देवी की पहचान हुई है साधु पासवान रणजीत कुमार और बिजनेश पासवान अभी तक लापता हैं इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि चुरलमला गांव में बड़े बड़े बागान हैं जहां पर बिहार यूपी से आने वाले मजदूर काम करते हैं केरला के श्रम विभाग ने बताया है कि 380 ऐसे मजदूर और उनके परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं ड्रोन कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं कि वायनाड की पहाड़ी के ऊपर इलायची काली मिर्च और चाय के बागान कितने सुव्यवस्थित और सुंदर लग रहे हैं यहाँ के स्थानीय मुसलमान खाड़ी के देशों में काम करने गए और ईसाई यूरोप के देशों में इस वजह से इन गांवों के मकानों से समृद्धि झलकती है लेकिन सच्चाई कुछ और भी है इन बागानों में मजदूरी कर जीने वाले ज़्यादा लोग हैं इनमें मुसलमान भी हैं ईसाई और हिंदू भी और दूसरे राज्यों से आए मजदूर भी दो अगस्त की द हिंदू में रिपोर्ट है कि यह खतरा है कि पलायन मजदूरों की गिनती न हो सके स्थानीय भाषा में पलायन मजदूरों की बस्तियों को पाड़ी कहा जाता है जो बाढ़ में बह गई वायनाड के बागानों में अधिकतर झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मजदूर काम करते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार के भी इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को दो दिनों के लिए वायनाड का दौरा करने का आदेश दिया था केरला में एक संस्था है सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसके कार्यकारी निदेशक बिनॉय पीटर का द हिंदू में बयान छपा है कि इन मजदूरों से ही पता चलेगा कि जहां भूस्खलन हुआ वहां और कितने मजदूर काम कर रहे थे या रह रहे थे क्योंकि हो सकता है इनका उन लोगों से संपर्क हो तो कितने लापता हैं और कितनों की मौत हुई है इसके लिए इन मजदूरों का अभी वहां होना बहुत ज़रूरी है इससे पलायन मजदूरों की क्या हालत है किस तरह से अनियमित प्रणाली में वे काम करते हैं यह भी पता चलता है उनके विषय में सूचना दूसरे मजदूर ही हैं वायनाड में करीब 200 लोग लापता हैं आपदा के पांचवें दिन बाद भी लोगों को उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर आ जाएगी या चमत्कार हो जाएगा कोई अपने बच्चे को खोज रहा है तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को मरने वालों की आधिकारिक संख्या तीन से अधिक है लापता लोगों के बारे में धीरे धीरे उम्मीदें कम होती जा रही हैं सरकार की ओर से कहा जा रहा है बचाव कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई या केवल शरीर का ही अवशेष मिला सरकार ने उन सभी को दफनाने का फैसला किया है 4 अगस्त को सभी शवों को दफनाया गया इनमें किसी का हाथ है तो केवल पांव है या शरीर का कोई एक हिस्सा इन सभी को एक नंबर दिया गया है पंचायत या नगर पालिका के अधिकारियों की मौजूदगी में दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि प्रशासन के पास सबका रिकॉर्ड रहे ऐसी सामूहिक खबरों पर दफन के दौरान ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है यहाँ से कांग्रेस के विधायक टी सिद्दीकी का कहना है कि मरने वालों और गुमशुदा लोगों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है जिन लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया उनके लिए इस आपदा के सदमे से उबरना जीवन भर के लिए मुश्किल होगा जिंदगी बसा लेने की बात तो दूर रातों की नींद उड़ जाएगी और हर बारिश उन्हें परेशान करेगी हम अक्सर इनके पुनर्वास की बात करते हैं लेकिन ऐसे हालात के शिकार लोगों के मानसिक सदमे का ध्यान नहीं रहता मानसिक स्तर पर उन्हें लंबे समय तक मदद की ज़रूरत होती है केरला सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस त्रासदी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 160 काउंसलर काउंसिलर नियुक्त किए हैं जो कैंप और घरों में लोगों से संपर्क करेंगे सरकार ने मनोचिकित्सक सहायता देने के लिए पूरे साल का प्लान बनाया है जिन परिवारों में केवल महिलाएं बच गई हैं उनका संघर्ष अलग हो जाता है इन सभी के लिए बारिश और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ का मतलब हमेशा के लिए बदल चुका है अपने ही घरों को इस हाल में देखना आसान नहीं यहाँ से दूर बसा देने के बाद भी ये लोग इस आपदा की भयानक स्मृतियों से कभी दूर नहीं जा सकेंगे जब हमारा आपका ध्यान हमेशा के लिए वायनाड से हट जाएगा तब इनका संघर्ष अकेले का हो जाएगा जैसे अब तो कोई बात नहीं करता 2018 में केरला की बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों का क्या हुआ इन लोगों के भीतर बाढ़ और लैंडस्लाइड दिन रात घटती रहेगी बहने बहनों के पति घर के अन्य बड़े और उनके परिवार सबकी मौत हो चुकी है न्यूज मिनट में शराफुद्दीन का बयान छपा है कि शुरू में हम विलाप कर रहे थे मगर अब हम सब सुन हो गए हैं केरला के मुख्यमंत्री पीनाराय विजयन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वायनाड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें भारत में हाल के समय में वायनाड जैसी लैंडस्लाइड की घटना नहीं हुई इसका प्रभाव बहुत व्यापक है राज्य सरकार की राहत शिविरों में एक हज़ार से ज़्यादा विस्थापित रह रहे हैं और वायनाड में तीन हज़ार ड्रोन कैमरे से आप जो नदी बहती देख रहे हैं वो चालियार नदी की सहायक नदी है जिसका नाम इरवाजिंदगी है इसी नदी के किनारे चुरलमला अट्टा मुंडकई गांव बसे हैं इरुवा जिंदगी की धारा आम तौर पर काफ़ी पतली थी सामान्य थी इसका प्रवाह काफ़ी धीमा था यह नदी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चालियार नदी में जाकर मिलती है आपदा की रात तेज़ बारिश से इस नदी का पानी भी बढ़ गया और फैल गया पहाड़ के धंसने से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े नीचे आ गिरे और किनारे बसे मकानों को जमींदोज कर दिया सब कुछ इतना कम समय में हुआ कि शांत सी बहने वाली इरवाजिंगी नदी की धारा में भी प्रलय का प्रवाह पैदा हो गया इस नदी की धारा शवों को बहाकर 25 किलोमीटर दूर बहने वाली चालियार नदी तक ले गई मुंडकई चूरलमला में नदी के किनारे किनारे घर और इमारतें खड़ी थी तीन गांवों के मकानों और अन्य सामानों का मलबा आठ आठ किलोमीटर दूर तक बह गया एक किलोमीटर लंबी चालियार नदी केरला के तीन जिलों मल्लापुरम कोइकोड़ और वायनाड के लिए जीवनदायी मानी जाती है अब वही उनके सबसे बड़े शोक का प्रतीक बन गई है नदी से मिलने वाले शवों और शवों के अवशेषों की कुल संख्या 300 से ऊपर चली गई है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल सी मुरलीधरन ने द हिंदू से कहा है कि यह भूस्खलन डैम के फटने जैसा था उनके अनुभव में पहली बार इस कदर भीषण भूस्खलन हुआ कि जिसमें घाटी में छः से सात किलोमीटर दूर तक मलबा फैल गया आम तौर पर मलबा एक से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में फैलता है वायनाड की घटना में मिट्टी पानी से अत्यधिक रूप से तर थी और भारी बारिश के बाद डैम फटने की शक्ति से ब्लास्ट होती हुई चालियार नदी में मिल गई और गांवों को घाटी में बहा ले गई गाडगिल पैनल ने चुरलमला को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील इलाके की जोन में डाला था इसके दो कारण थे एक तो यह कि यहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है जो जलवायु परिवर्तन के चलते और ज्यादा हो गई है और दूसरा पर्यटन और हाईवे रोड के विस्तार के नाम पर बेलगाम विकास कार्य चल रहे हैं अल जजीरा में टी ए ने अपनी रिपोर्ट में विजू बी का एक बयान छापा है विजू बी ने फ्लड एंड फ्यूरी इकोलॉजिकल डेवेस्टेशन इन द वेस्टर्न घाट्स नाम से किताब लिखी है विजू बी का कहना है कि राज्य सरकार वायनाड की प्राकृतिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील नहीं है जिस जगह भूस्खलन हुआ है उसी के पास से गुजरने वाले दो हजार करोड़ रुपए के एक मेगा टनल प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है राज्य सरकार ने वहां पर टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी जब सभी को पता है कि पश्चिमी घाट कमजोर इलाका है यहां लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं कई तरह के मीडिया रिपोर्ट को पढ़ते हुए आपको अलग अलग कारण पता चलते हैं हमारे इस वीडियो का फायदा यह है कि आप कई सारी रिपोर्ट के ज़रूरी हिस्सों के बारे में एक जगह पर जान पाते हैं इतनी रिपोर्ट पढ़ने का मौका शायद आपको ना मिले तो कम से कम इस एक वीडियो से आप काफ़ी कुछ जान सकें वह भी हिंदी में यही हमारा मकसद है इसलिए लंबे वीडियो देखा कीजिए न्यूज़ मिनट की पत्रकार मारिया टेरेसा राजू ने नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ एन की रिसोर्स एनालिसिस डिवीजन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सोमन से बात की है डॉक्टर के सोमन ने कहा है कि अंग्रेज़ों ने वायनाड में चाय के बाग बनाते समय यहाँ बहने वाले छोटे छोटे नालों को भर दिया इन नालों से पानी को निकासी का रास्ता मिल जाया करता था साथ ही उन्होंने नदी के किनारे मजदूरों की रिहाइश शुरू कर दी जहां बाद में छोटे शहर बन गए इन रास्तों पर कभी नदी बहा करती थी कम पानी या पहले के हुए भूस्खलन के बाद नदी ने यह रास्ता कुछ समय के लिए छोड़ दिया होगा मगर 30 जुलाई की रात को नदी ने अपना रास्ता वापस लिया और हजारों लोग उसकी जद में आ गए डॉक्टर के सोमन कहते हैं कि इस इलाके में उन्नीस और 2020 में कम तीव्रता की भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी थी उनका कहना है कि जो पत्थर आए हैं और जो पत्थर पानी के रास्ता बदलने के बाद दिखाई देने लगे हैं वे एंगुलर हैं नुकीले हैं तीखे हैं इसका मतलब है ये पत्थर यहाँ पूर्व में हुए भूस्खलन से आए होंगे यानी इस इलाके में भूस्खलन का इतिहास होते हुए भी यहाँ लोग बसते चले गए और उन्हें बसने भी दिया गया पानी को शताब्दियों तक अपना रास्ता याद रहता है कुदरत को तो चकमा देकर एक नदी के रास्ते पर कब्जा कर लेना खतरनाक होता है वायनाड की आपदा पर भी आधे अधूरे तरीके से बात हो रही है इतनी बड़ी आपदा हमारे सामने घटी है केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच एक और भूस्खलन को भुला दिया गया जिसमें आठ लोगों की जान गई है कर्नाटक के शिरूर की यह घटना बता रही है कि बेतहाशा सड़क निर्माण ने भी भूस्खलन को बढ़ाया है यह अपने आप में चेतावनी है लेकिन तब क्या कोई सुनता है कि पश्चिमी घाट के इलाकों में सड़कों के विस्तार के लिए टेक्नोलॉजी का सख्त मानक होना चाहिए इलाके का भी ध्यान रखा जाना चाहिए 17 जुलाई की सुबह कर्नाटक के हासन क्षेत्र में भी भूस्खलन हुआ जिसकी चर्चा कम हुई शिरूर की लैंडस्लाइड पर कम बात क्यों हो रही है यह इलाका महाराष्ट्र के अकोला से लगा हुआ है दो सप्ताह से यहां पर तलाशी का काम चल रहा है भूस्खलन इतना तीव्र था कि चाय की दुकान पर बैठे ट्रक चालक को भागने का मौका भी नहीं मिला चाय की दुकान और दो ट्रक बह गए अभी तक आठ शव बरामद किए जा चुके हैं और तीन और शवों की तलाश जारी है हासन जिले के शिरूर गांव के ऊपर मिट्टी और मलबे का बड़ा ढेर आ गया अकोला में चार घर और दो हाई टेंशन बिजली ट्रांसमिशन टावर नष्ट हो गए यह गांव उस राजमार्ग पर है जो महाराष्ट्र के पनवेल को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ रहा है इस लैंड से सोलह किलोमीटर लंबे राजमार्ग का कारवार मंगलुरु हिस्सा नष्ट हो गया दो लेन वाले इस खूबसूरत राजमार्ग के एक तरफ पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ गंगावली नदी है तीन अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शिरडी घाट का दौरा करने गए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन ने पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सड़क बनाते समय वैज्ञानिक कारणों का ध्यान नहीं रखा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि पहाड़ों को 45 डिग्री के कोण पर काटा जाना चाहिए ना कि 90 डिग्री के कोण पर पहाड़ों को कम डिग्री पर भी काटा जा सकता है ताकि लैंडस्लाइड के खतरे को कम किया जा सके शिरडी घाट एरिया में भी जुलाई महीने से लगातार बारिश हो रही है 30 जुलाई को कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और लोग भी घायल हुए हैं इस घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि केवल भारी बारिश के कारण ही भूस्खलन नहीं हो रहा जिस तरह से पहाड़ काटे जा रहे हैं वह भी एक बड़ा कारण है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के पंद्रह प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा है उनतीस हजार तीन सौ वर्ग किलोमीटर के बराबर सवाल है कि क्या सरकार अपना काम रोक सकती है बहस हो रही है कि वायनाड में आबादी को इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वह वोट बैंक का हिस्सा है लेकिन इस सवाल में भी पहाड़ों को बचाने की चिंता नहीं है राजनीति है केवल इसी पश्चिमी घाट में राजमार्ग बनाने के लिए पहाड़ों को कितनी बेदर्दी से काटा जा रहा है किसी को परवाह नहीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने एन और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी है इसमें कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस इलाके में अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों को काटा है ढलान बदले जाने से पानी के निकलने का रास्ता प्रभावित हुआ और तीखा हुआ पहले ढलान होती थी लेकिन पहाड़ के काटने के बाद ढलान अब गायब और पहाड़ सीधा खड़ा नजर आता है जब भी तेज़ बारिश होती है पहाड़ का हिस्सा ऊंचाई से घिरता है और तेज़ी से धंसने लग जाता है भारी बारिश के कारण इसकी भूस्खलन और मलबे के नीचे आने की गति और बढ़ जाती है मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है ऐसी कोई एजेंसी अब सपना ही है जो फैसला करते समय पर्यावरण का ध्यान रखे और प्रकृति के बारे में सोचे आपको एक किस्सा बताता हूं 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की उसके ठीक दूसरे दिन सरकार का पर्यावरण मंत्रालय एक अधिसूचना जारी करता है किस काम के लिए इसके जरिए कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले पर्यावरण के हिसाब से मंजूरी की बाध्यता समाप्त कर दी जाती है कब जब आप कोरोना की दहशत में घिरे हुए थे और सरकार क्या कर रही थी कि कुछ प्रोजेक्ट को पर्यावरण की मंजूरी की बाध्यता से अलग कर रही थी कितना जरूरी काम करती है सरकार आपके लिए यूपीए सरकार के दौर में 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक सूची बनाई कि इन इन कार्यों से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेनी पड़ेगी लॉकडाउन के दूसरे दिन ऐसी अधिसूचना की जरूरत क्यों थी तब तो सारा काम ठप हो गया था काम भी नहीं हो रहा था जाहिर है इसके लिए लंबे समय से मौका खोजा जा रहा होगा और लॉकडाउन ने वो मौका दे दिया सरकार के इस फैसले को पहले एनजीटी में चुनौती दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से कहा तीन महीने के भीतर अपने फैसले पर विचार कीजिए आपका फैसला असंवैधानिक है मगर सरकार ने कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने मार्च 2024 में फैसला सुनाया उससे पता चलता है कि सरकार पर्यावरण को लेकर कितनी संवेदनशील है सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले लॉकडाउन के समय जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया फिर कहा सरकार ने मनमाने तरीके से यह काम किया है और उसका आदेश असंवैधानिक कोर्ट ने कहा कि सड़क और पाइपलाइन बिछाने के लिए नियमों में छूट क्यों दी गई सुरक्षा मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया हम ये बात समझने में असमर्थ हैं कि केंद्र सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाते हुए ऐसी अधिसूचना क्यों जारी की केवल भारी बारिश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते वह भी एक कारण है लेकिन सड़कों और विकास की परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को कैसे मंजूरी दी जाती है इसे भी देख लीजिए कितनी जल्दी है कि पर्यावरण के नाम पर मंजूरी के नियमों को बदलने की इसे झंझट बताया जाता है देरी बताते हैं ऐसा क्यों है इसका मतलब है जब तक यह जनता का मुद्दा नहीं बनेगा जनता गंभीरता से इन कारणों को नहीं जानेगी जनता ही आपदा में मारी जाती रहेगी वायनाड के साथ साथ इसी समय कर्नाटका महाराष्ट्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को भी एक साथ देखिए पता चलेगा कि इस तबाही में विकास की नीतियों का कितना हाथ है और प्रकृति के प्रकोप का कितना वायनाड कलपेट्टा विधानसभा में आता है यहाँ के विधायक टी सिद्दीक ने कहा है कि मुंडकई का इलाका अब इंसानों के रहने लायक नहीं रहा वहां जिस स्तर की तबाही फैली है उसके बाद वहां फिर से बसावट करना खतरनाक होगा कलाड़ी का इलाका उनमें से है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है मगर अब यहां की जमीन इतना ज़्यादा पानी झेल नहीं पा रही जिस कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं और बात सिर्फ जान के नुकसान की नहीं है जो लोग बच गए उनके पास वापस जाने के लिए जो रह गया है वो कितना बदल चुका होगा घर नहीं रहे जमीन नहीं रही ना ही जमीन में इतनी पकड़ रही कि फिर से घर टिका सकें। वायनाड में 500 एकड़ से अधिक की फसल तबाह हो गई है सैंतीस एकड़ खेतीयर जमीन प्रभावित हुई है एरियल फुटेज को देखकर थोड़ा सा अंदाजा मिलता होगा कि भूस्खलन का क्या वेग रहा होगा कितनी ऊर्जा से पत्थर और पानी नीचे आए होंगे देखकर ऐसा लगता है पानी और मिट्टी चट्टान ने मिलकर जमीन ही तोड़ दी इतने सारे खड्डे बड़े बड़े पत्थर और नदी के चैनल देखकर लगता है मानो किसी ने जमीन तोड़कर जगह बनाई कितनी तबाही मची होगी उसका अंदाजा इस वीडियो से मिलता है यहां करीने से काटे हुए खेत के ठीक बगल में पूरी तरह से तबाह हो चुकी जमीन है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुट्ठी भर जमीन निकालकर बाहर फेंक दी हो ऐसी तबाही है कि अप्राकृतिक लगती है मगर है प्राकृतिक ही मानवीय ही इसी देश में पैंसठ हजार से अधिक मणिपुरी लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं अपने ही देश में बिना किसी प्राकृतिक आपदा के पंद्रह महीनों से इन शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं क्या उनके लिए कोई नया राज्य बसा देंगे तो समस्या का समाधान तो करना ही होगा 2019 में भी वायनाड में एक भूस्खलन की घटना हुई जिसमें तिरासी परिवार बेघर हो गए तब भी इन लोगों को दूसरे इलाके में ज़मीन खरीदने मकान बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10 लाख की राशि देने की बात की सवाल है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में और इतने कम पैसे में दूसरी जगह पर घर बनाए जा सकते हैं ज़मीन खरीद कर पूरी एक टाउनशिप बसानी होगी जाहिर है आसान काम नहीं और लंबा वक्त तो लगता ही होगा राज्य सरकार वायनाड आपदा के प्रभाव में आए लोगों को दूसरी जगह पर बसाने के लिए विचार कर रही है मांग कर रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित हो ताकि केंद्र से अधिक मदद मिले राज्य सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री आपदा कोष में आप पैसा दीजिए जो भी पैसा आएगा उसके एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा और सी से इसकी ऑडिट कराई जाएगी आपदाओं को हम अलग अलग नहीं समझ सकते ना तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह केवल केरला की घटना है और यह घटना केवल हिमाचल प्रदेश की आजीवन हिमालय की बनावट और बसावट पर काम करने वाले पर्यावरणविद शेखर पाठक की इन किताबों को कभी पलटकर देखिएगा हिंदी में ही है और वाणी प्रकाशन से छपी है 2018 में जब केरला में बाढ़ आई तब शेखर पाठक ने ईपीडब्ल्यू में एक लेख लिखा बताया कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ 2014 में कश्मीर में आई भारी बाढ़ और केरला की बाढ़ में कई समानताएं देखी जा सकती हैं दोनों ही क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बेहद कमजोर है तब शेखर पाठक ने लिखा था कि केंद्र की एजेंसियों को समग्रता से देखने की जरूरत है बात यह है कि विशेषज्ञ तो अपना काम कब का कर चुके हैं उनकी हर चेतावनी सही साबित हो रही है और सरकार का हर दावा गलत साबित हो रहा है आखिर सरकार और उसकी एजेंसियां कब इन विशेषज्ञों की बातों की तरफ झुकेंगी देखेंगी उन्होंने अपनी मनमानी की जितनी करनी थी उससे ज्यादा की उनके बनाए रास्तों पर आज पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तबाही अब वार्षिक हो चली है साल दो साल का भी अंतर नहीं होता भारी बारिश सड़कों का चौड़ीकरण राजमार्गों का विस्तार अनेक कारण हैं जिनसे हमारे पहाड़ घिसते जा रहे हैं हम सभी मिलकर तबाही का इंतजार कर रहे हैं याद रखिएगा भूस्खलन वाली सुबह नदी में बाढ़ भी आई थी आजकल हमने बाढ़ की चेतावनी के सिस्टम विकसित कर लिए हैं लेकिन शेखर पाठक लिखते हैं बाढ़ अपने आप में एक चेतावनी का प्राकृतिक सिस्टम है बाढ़ के रूप में प्रकृति ने इंसान को चेतावनी दी है कि अपनी बस्तियां और शहर नदियों के रास्ते में या उनसे सटे मैदानों में मत बनाओ फिर भी हम बनाए जा रहे हैं यह वीडियो देखकर आप कह सकते हैं कि वायनाड कितना सुंदर है है भी स्थानीय लोग इसकी तुलना कश्मीर से करते हैं अगर आपको केवल इसकी सुंदरता ही दिखाते रहें तो पता भी नहीं चलेगा कि विकराल त्रासदी यहीं से गुजरी है प्रकृति धर्म और जाति नहीं देखती ना वो किसी से बदला ले रही है वो बस अपनी प्रणाली और अपने नियमों का अनुसरण करती है शेखर पाठक ने हम सभी के प्रकृति के साथ संबंधों को समझाया है इस तबाही को देखते हुए उनकी बात का जिक्र जरूरी है कि जो लोग इन इलाकों में रहते आए हैं वे प्रकृति को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होते हैं जैसे हिमालय के समुदायों में भूस्खलन ग्लेशियल झील के फटने और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक प्रणालियों की स्वाभाविक समझ देखी जाती है वहीं दूसरी तरफ मनुष्य अतिक्रमणकारी भी होता है उनमें उन्हीं नियमों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति होती है हर तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते चले जाते हैं भूस्खलन और बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए हमें ऐसी सामाजिक राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंसियां चाहिए जो चिरपरिचित और उचित पारंपरिक तरीकों का पालन कर सकें और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों को कम करने के लिए देश के भूमि और जल संसाधनों को नियंत्रित करने वाले कानून लागू कर सकें आप भी जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है वायनाड से भी हम कुछ भी नहीं सीखने वाले केदारनाथ की त्रासदी से हमने क्या सीख लिया इतनी बड़ी आपदा हो गई वायनाड में प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए आपदा प्रबंधन का कार्य गृह मंत्रालय के तहत आता है गृह मंत्री भी नहीं गए उम्मीद है बाद में कभी जाएंगे और अपने विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे लेकिन उत्तराखंड में ही प्राकृतिक आपदा कितनी नियमित हो चली है क्या उसी को लेकर कोई ठोस समीक्षा हो रही है कभी आपने सुना कि सरकार ने अपना प्रोजेक्ट रोक दिया उससे अपनी गलती का एहसास हुआ सरकार एक ऐसी प्रणाली क्यों है जिसे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता प्राकृतिक आपदा भी दूर का शब्द है लगने लगा है ऐसा लगता है कि इस आपदा में प्रकृति ही शिकार हुई है और प्रकृति ही कारण है इंसान तो बस बैठकर वीडियो देख रहा है और राजनीति कर रहा है कि वायनाड में मुसलमान रहते थे और उत्तराखंड में हिंदू आपदाएं धर्म के आधार पर नहीं आती हैं निकालिए पर्स और लिख कर रखिए मेरी बात मूर्खता धर्म के आधार पर जरूर आती है यह अपने आप में किसी भी आपदा से भयंकर नमस्कार मैं रवीश कुमार